हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब फ्रेंड्स? ये ब्लॉग है, जब हम लोग दिल्ली से हरिद्वार जा रहे थे वहाँ का ये ब्लॉग है। और हम लोग स्टेशन पे खड़े थे, बस हमारी आ रही थी, तो यहाँ पे मेरी बस आ चुकी है और हम लोग बैठ चुके हैं। मतलब बहुत अच्छा लगा। और संजोग ये भी था ना, जिस दिन नहान था उस दिन ही हम लोग हरिद्वार में नहान की है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है ना। तो आप लोग देखिएगा, जितना भी जो भी रहेगा सब शेयर करेंगे वहाँ पे कैसा माहौल है। तो अभी आप देख सकते हो सब लोग अभी बैठ रहे थे, अभी सारे लोग बैठे नहीं थे तो यहाँ पे बैठ रहे थे। अब यहाँ पे ये बस चलने लगे और मैंने मास्क लगा लिया, क्योंकि वहाँ पे ना मास्क लगाते थे हर जगह, बट कुछ कुछ ऐसे जगह पे थे जो गाड़ी में हो मास्क नहीं लगाए तो आपको 500 रुपये की 2000 रुपये फाइन है। तो हम लोगों ने लगा लिया। एंड हाँ, मैं नेल पेंट कैसा लग रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है? ये कुछ बाहर का व्यू है जो दिल्ली का है, आप देख सकते हो, क्योंकि अभी रात हो चुके थे, काफ़ी लोग सो चुके थे, काफ़ी लोग जगे थे, तो बस वहीं का है, बाहर का अच्छा लग रहा था। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में सब लोग मुंबई की तरह ही है, मिलता जुलता, मैं एग्जिट नहीं बोलूँगी बट नहीं। उसके बाद मैंने रात को यहाँ पे 4 या 3 बज रहे थे और ये कुल्हड़ वाली चाय मिल रही थी, तो ये मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैंने चाय पी लिया। तो यहाँ पे पीछे देख सकती भाभी लोग थी, हंसी मजाक चल रहा था। और ये मुझे इसमें चाय बहुत टेस्टी भी लग रही थी, कहीं कि ढाबे पर रुकी थी वहाँ की थी और ठंडी थोड़ी बहुत थी, तो बस हम लोग चाय का इंजॉय करते हैं। और हाँ, किसको किसको ये वाली चाय, इस वाले बर्तन में चाय अच्छी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैं ख़त्म हुआ, एक बड़ी सी कप थी, छोटी नहीं थी, बड़ी थी, आप देख सकते हो। और ये टोल, कुछ टोल प्लाजा बोल रहे थे वो था शायद यहाँ पे। अब फिर से हम लोग चलने लगे, रात का ही है तो कहीं कहीं नींद लग रहे थे बस में ना, मुझे ना कंफर्टेबल नहीं लगते बस में बैठ के ना, मुझे बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लगते और अजीब सा नींद भी नहीं होता, शरीर में भी ना दर्द होने लगते हैं, तो इसलिए मुझे बस का ट्रेवल पसंद नहीं है, बट क्या कर सकते। ये रहा हरिद्वार में हम लोग पहुँच चुके थे, तो ये ब्रिज के नीचे से हम लोग जा रहे थे, तो अभी आप देख सकते हो जगह जगह बने हुए थे ऐसे, और ये देख सकते हो नाम यहाँ के, कौन कौन गया था आप लोग कमेंट करके जाओ, अगर जो जो गया हुआ तो कमेंट करके जरूर बताएगा। तो यहाँ बद्रीनाथ ऐसे से सब पे थे, केदारनाथ ऐसे से सारे भगवान जी का, भोलेनाथ का जितने भी नाम है सारे पे लिखे हुए थे, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि ताकि अलग बनाया गया था, अलग किया गया था। तो ये देखिए, ये नदी था, नदी गंगा जी हैं हरिद्वार का, तो देख सकते हो। काफ़ी टाइम बाद गई थी मैं तो कितने साल गई थी, कितने साल से नहीं जा रही हूँ, बट फाइनली अभी मैं फिर से गई और बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग ना यहाँ पे कुंभ का मेला लगा था, ठीक है, और हम लोग नहाने धोने में जितना टाइम लग गया तो हम लोग मुंडन का ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाए, तो यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं और बस हमारी रुक गई है और सब लोग अपना सामान रख रहे हैं, तो कुछ ऐसा व्यू है आप देख सकते हो। तो ये रहा गंगा जी, नदी नदी बार बार बोले गंगा जी है, जो सब लोग अपना नहाना धोना सबका रेडी था, तो देख सकते हो। एंड बहुत बड़ी है ना, बहुत बड़ी ये गंगा जी, मतलब बहुत बड़ी है, तीनों जनी गंगा यमुना सरस्वती, जो भी गंगा यमुना और ये सरस्वती तीनों जनी मिलके जो गंगा जी है ना वो है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि अमृत गिरा था इसलिए यहाँ पे कुंभ का मेला लगता है। तो कहाँ कहाँ लगता है? शिप्रा नदी में, नासिक, हरिद्वार में और इलाहाबाद में, 4 जगह लगते हैं।
तो अभी लगे थे, बहुत लोग गए थे, मतलब इतना भी लोग भीड़ नहीं था जितना होना चाहिए कुंभ मेला में। कोविड के वजह से बहुत कम लोग गए हुए, मुझे जहाँ तक पता है कोविड के वजह से ही कम लोग थे, वरना यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगता। और दूसरी बात ये, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना वो काई वगैरह जम गए थे, जिससे बहुत ज़्यादा पैर स्लिप करने का डर था। बट हम लोग बहुत ध्यान से स्लोली चल के जाते थे और करते थे। ये वहाँ का पहाड़ देख सकते हो, वहाँ पे इस बगल गंगा जी, उस बगल पहाड़ जी थे। तो ये रहा, ये हम लोग फ्रेश व्रेश नहाने के पहले का है, अब नहाने के बाद का देख सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग मेन था उस पर चढ़ के नहा लिया थे, फ़ोटो वोटो निकाल रहे थे। तो ये थोड़ा सा क्लिप वहाँ का है, तो देख सकते हो गंगा जी को कितनी बड़ी है। अभी मैं घूम के भी दिखाऊंगी। और हम लोग बहुत इन्जॉय किए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगा था। तो देख सकते हो भाई, मेरा ये भाई है जो बड़ी हेल्प किया था, बहुत ज़्यादा ही हेल्प किया था, क्योंकि वहाँ पे ना बैग वैग लेके जाना और कुछ मनसा देवी, इसके बाद मनसा देवी मैं गई थी, तो इसके बाद आपको मनसा देवी का ब्लॉग आएगा। तो ये सब सारी सामान को मेरी बीवी को हमें सामान को ले होके सब चलते थे। तो ये एक तरफ से बहुत अच्छा था। बाकी यहाँ पे सामान भी ना उतने कम नहीं थे जितना रहना चाहिए था, पता नहीं क्यों इस बार बहुत महंगे लग रहे थे, कि महंगे हो गए कोविड की वजह से महंगे हैं। बट उतना मैंने कुछ ज़्यादा कुछ यहाँ से नहीं खरीदा, क्योंकि ना बेबी को लेना सामान कपड़े वगैरह भी थे, इसलिए ज़्यादा शॉपिंग का मैं नहीं दिखा सकती इस ब्लॉग में। मनसा देवी का जो भी लगा थोड़ा बहुत मैं दिखाऊँगी, यहाँ पर आप लोग सोच रहे हो शॉपिंग का, तो शॉपिंग का नहीं दिखाऊँगी, क्योंकि बहुत लोग गए थे यार, टाइम का सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी और हम लोग को ना रात में ही निकलना था, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। ये सरस्वती जी बैठी हुई है, सरस्वती जी हैं, हाँ नहीं लक्ष्मी जी हैं, सरस्वती जी नहीं है, सॉरी, ये लक्ष्मी जी बैठी हुई हैं। और बहुत उस बगल है ना मोबाइल से, मैं बहुत इस बगल से उस बगल मैं गई नहीं हूँ, ये मैं इतने साल गई हूँ लेकिन उस बगल नहीं गई हूँ, तो इसलिए कहिएगा कि गई थी और तुमको पता नहीं है। तो जी हाँ, वहाँ तक गई नहीं थी इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाती है। तो कुछ लोग यहाँ से जा रहे थे, नहा रहे हैं और सब लोग गंगा जी को प्रणाम कर लीजिए। मैं आप लोगों को घर बैठे गंगा जी दिखा रही हूँ हरिद्वार का सीन। तो प्लीज़ इसके लिए एक लाइक तो करना बनता है ना, तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और इतना मतलब हर बार ना इतने भीड़ होते थे, और कुंभ के मेले में मुझे लगता था ना कि बहुत ज़्यादा भीड़ होंगे, कैसे क्या होगा कुछ नहीं, बट उतनी भीड़ नहीं थी, ठीक थे, नॉर्मली सब हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये है शंकर भगवान जो बहुत बड़े हैं, मेरे मोबाइल में तक कैप्चर नहीं हुए, लेकिन इनको मैं ना बहुत पास से उस बगल से देखी हूँ, तो इनका मैं बोलूँगी, उनका बोलूँगी नहीं, वो थोड़ा दूर में है और ये थोड़ा पास में है। उस बगल से जाओगे तो रोड पर ही मतलब थोड़ा बहुत आप पास में देख सकते हो, ऐसा है। तो चलिए, आपने व्यू कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दीदी बात करते रहे थे और जा रहे थे जहाँ मुंडन हो रहा था, क्योंकि नहाने के बाद हम लोग गए नहीं थे, टाइम ज़्यादा हो गया था। और कैसी लग रही है कमेंट करके तो बताओ। और ये मेरा आउटफिट, और मेरी बीवी साथ में ही चल रही थी, क्योंकि हम लोग सब लोग नहा लिया था। मौसम देख सकते, इतना तेज धूप निकल गया था, सुबह ऐसा था ना कि लग रहा था धूप ही नहीं निकलेगा, बट अभी ना इतना जोरों से धूप निकला था ना कि गर्मी बहुत ज़्यादा था। असंजोग से मैंने कोई स्वेटर शाल नहीं ले गई थी ना, इसलिए क्योंकि ना मुझे लग रहा था कि वहाँ धूप हो रही है तो गर्मी होगी, जबकि सुबह तक हो रही थी, बट दोपहर थोड़ा 10 बजे तक सही हो गया था। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं,
वहाँ पे बहुत लोग गंगा जल लेके ऐसे बोतल मिलते हैं, 10-10 रुपये में मिल जाते हैं ऐसे बोतल, 10 रुपये 5 रुपये मिल जाते हैं। ये हम लोग मुंडन उन्डन हो गया, उसके बाद हम लोग ऊपर जा रहे थे मनसा देवी जाने का। तो ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करिए। मेरी बुआ है, मेरी बहन है, तो यहाँ भाभी हैं, सब लोग आसपास से, भाभी की बच्ची थी आसपास से, सब लोग जा था। तो हम लोग चल रहे हैं अब मनसा देवी, तो वहाँ का ब्लॉग अलग से आएगा क्योंकि इस टाइम पे ये सब मैंने रिकॉर्ड कर दिया था, मुझे ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं आ रहा था कि कैसे क्या होगा क्या नहीं, बट जो जो समझ आया वहाँ वहाँ रिकॉर्ड कर लिया है और शेयर जरूर करूँगी, ठीक है। तो ये लास्ट बार देख सकते हो कि सबसे ऊपर हम लोग गए थे और नीचे का ये ऐसा कुछ व्यू है, अच्छा लग रहा है ना। जो जो हरिद्वार नहीं गया है वो देख सकता है और समझ भी आएगा। लास्ट वाला इसलिए मैंने रिकॉर्ड किया ना कि आपको एग्जिट समझ आएगा कि कैसा है करके। तो यहाँ पे कुछ पुलिस लोग भैया लोग थे, तो मैंने कहा थोड़ा सा रिकॉर्ड करूँगी, तो कोई नहीं रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो बस ये रिकॉर्ड करी। तो और आप देख सकते हैं शंकर भगवान और लक्ष्मी जी कितनी दूर है, इसलिए इतना डिफरेंस है, तो आप समझ सकते हो कि वो अंदर है, उधर पहाड़ी इलाका है, उधर चंडी देवी हैं, इधर मनसा देवी हैं। तो हम लोग चंडी देवी नहीं जा पाए क्योंकि हम लोगों ना उधर जाते ना तो टाइम ज़्यादा ही हो जाता, इसकी वजह से हम लोग इधर ही आके और चले गए। क्योंकि वो जो बस से हम लोग गए थे वो स्कूल बस थी और सुबह सुबह बच्चों को ले जाना था इसलिए। तो आप लोग को कैसा लगा ब्लॉग कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। एंड हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ क्या कर रहे हैं, सब्सक्राइब तो कर लीजिए। एंड हाँ, आप लोग पता नहीं क्यों क्या हुआ है, आप लोग ये भी तो बताओ कि आप लोग नेक्स्ट व्लॉग कौन सा देखोगे, कैसा टाइप का ब्लॉग देखना चाहते हो, चाहे वीडियो चाहे मेकअप स्किन केयर कुछ भी कॉमेंट करो कि कैसा वीडियो देखना चाहते हैं। तो बाय बाय।